आज हम लोग छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल के अंतर्गत देखते हैं जिला बस्तर कि बस्तर में क्या क्या प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जगदलपुर। जगदलपुर में है राजमहल और दलपत सागर। उसके बाद है नारायणपाल। नारायणपाल में एक प्राचीन विष्णु मंदिर है। उसके बाद हम दूसरा जिला देखते हैं कबीरधाम। कबीरधाम में है पचराही जो कि एक पुरातात्विक स्थल है। फिर आती है चौराग्राम, यहाँ पर है भोरमदेव मंदिर और मड़वा महल। फिर है छपरी ग्राम है जो कि जहाँ पर छेरकी महल है। उसके बाद हम देखते हैं दुर्ग। दुर्ग के धमदा में देखते हैं हम चतुर्भुजी मंदिर है। भिलाई में मैत्री बाग भी है और भिलाई स्टील प्लांट भी है। फिर आता है देव बलोदा में है प्राचीन शिव मंदिर है। इसके बाद हम देखते हैं नागपुरा। नागपुरा में है आपका नागदेव मंदिर और जैन धर्म का प्रमुख स्थल भी है। फिर आता है डोंगरगांव, राजनांदगांव। राजनांदगांव का स्थल है डोंगरगढ़ और डोंगरगढ़ में हम सब जानते हैं कि प्रसिद्ध बम्लेश्वरी मंदिर है और बुद्ध प्रतिमा भी है। फिर आता है शंकर दहरा, यहाँ पर सात बहनियाँ मंदिर है। फिर अगला जिला है हमारा खैरागढ़। सुई खदान और गंडई जो नया बना है तो ये खैरागढ़ है। खैरागढ़ में है इंदिरा गांधी कला एवं संगीत विश्वविद्यालय जो कि पहले राजनांदगांव में था, अब एक नए जिले में आ गया है। फिर आता है छुई खदान है। छुई खदान में भी प्राचीन नर्मदा मंदिर है और बैताल रानी घाटी है। फिर आता है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ये भी राजनांदगांव से अलग होके बना है। तो अंबागढ़ चौकी में अंबा देवी का मंदिर है, मोगरा बैराज और चितवा डोंगरी है। चितवा डोंगरी भी पुरातात्विक स्थल है जहाँ पर आदि मानव के प्रमाण हमको मिले हैं। फिर आता है मुंगेली। मुंगेली में है सरगांव जहाँ पर है धूमनाथ मंदिर है। सेत गंगा है, यहाँ पर है सेत गंगा कुंड है और राम जानकी मंदिर है। फिर आता है लोरमी, यहाँ पर है खुड़िया बांध। फिर हम देखते हैं बेमेतरा। बेमेतरा में है जूनी सरोवर और देवर बीजा में है सीता नदी मंदिर और सती स्तंभ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कोरबा। कोरबा के है लाफागढ़। लाफागढ़ में है महामाया मंदिर और प्राचीन किला। फिर आता है चैतुरगढ़। चैतुरगढ़ में है प्राचीन किला और शंकरखोल मंदिर। फिर ये पाली है, पाली में है प्राचीन शिव मंदिर। प्राचीन भी बहुत पुराना स्थल है। उसके बाद है तुम्मान। तुम्मान में प्राचीन शिव मंदिर है। फिर कुदुरमाल। कुदुरमाल में कबीर पंथ की गद्दी है जो कबीर धाम से संबंधित है, कुदुरमाल। फिर है सारंगढ़ और बिलाईगढ़। सारंगढ़ में है गिरिविलास महल और बिलाईगढ़ में है किलबिली माता का मंदिर। फिर आता है रायगढ़। रायगढ़ के सिंघनपुर में है शैल चित्र और गुफाएं, यह भी ऐतिहासिक स्थल है। फिर आता है रायगढ़। रायगढ़ में है राम झरना, कबरा पहाड़, टीपा खोल और बादली गुफा। तो ये थे हमारे कुछ जिले, और जो हमारे कुछ जिले छूट गए हैं उसको हमने अगले वीडियो में बनाएंगे। तो आपको हमारे वीडियो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।